हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गांव धतीर और ससुराल पक्ष जरिए जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप और महिला की शिकायत पर उन सबके पति सहित 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल और उपचाराधीन महिला के बयान पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी अमन प्रकाश के अनुसार गांव धतीर निवासी नरवीर की पत्नी हेमलता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 1 अक्टूबर को उसका भाई अजय 2-3 दिन पूर्व उसे एक फोन देकर गया था। फोन को हेमलता ने हमी संदूक और रख दिया था। पीड़िता के पति नरवीर ने संदूक से फोन निकाला और पूछा कि फोन कौन देकर गया है। पीड़िता ने बताया कि फोन उसका भाई अजय देकर गया है। इसी बात को लेकर नरवीर ने हेमलता के साथ मारपीट की। वह नरवीर, जेठ कर्मवीर, ननंद धर्मवती, ससुर तेजराम व सास लज्जा ने मिलकर जिस समय रन उसे ऑल आउट पिला दी, इससे पीड़िता बेहोश हो गई और होश और आई तो उसने हमें तुमको पलवल के निजी अस्पताल और उपचाराधीन पाया। जांच अधिकारी अमन प्रकाश के अनुसार गांव धतीर निवासी नरवीर की पत्नी हेमलता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 1 अक्टूबर को उसका भाई अजय 2-3 दिन पूर्व उसे एक फोन देकर गया था। फोन को हेमलता ने हमी संदूक और रख दिया था। पीड़िता के पति नरवीर ने संदूक से फोन निकाला और पूछा कि फोन कौन देकर गया है। पीड़िता ने बताया कि फोन उसका भाई अजय देकर गया है। इसी बात को लेकर नरवीर ने हेमलता के साथ मारपीट की। वह नरवीर, जेठ कर्मवीर, ननंद धर्मवती, ससुर तेजराम व सास लज्जा ने मिलकर जिस समय रन उसे ऑल आउट पिला दी, इससे पीड़िता बेहोश हो गई और होश और आई तो उसने हमें तुमको पलवल के निजी अस्पताल और उपचाराधीन पाया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।